हेलो बच्ची, ऑनलाइन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड EVS का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्लांट फेरी। आज मैं रिंकी आपको ये लेसन पढ़ाऊँगी। ये लेसन कुछ इस तरह है। एक लेसन का नाम है द प्लांट फेरी। ये लेसन इस तरह स्टार्ट होता है कि कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं एक गेम जिसका नाम है प्लांट फेरी। प्लांट फेरी में एक बच्चा एक प्लांट को छूता है और प्लांट के बारे में बताता है। तो इस तरह से वो प्लांट फेरी का गेम शुरू करते हैं। अब प्लांट फेरी का गेम शुरू होता है जिसमें बच्चा एक प्लांट को छूता है और उस प्लांट के बारे में कुछ बताता है। तो इस तरह कुछ बच्चे ये गेम खेल रहे हैं। तो बच्चे जैसे ही हम प्लांट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में प्लांट के बारे में कुछ बातें आती हैं। तो सबसे पहले प्लांट के बारे में कुछ जानते हैं। जैसा कि आपने सारे प्लांट्स देखे होंगे कि प्लांट्स का कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट, जिसकी वजह से प्लांट ज़मीन में टिका रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, रूट। ये देखिए पिक्चर में, जो प्लांट का हिस्सा तने से ऊपर की तरफ होता है, ज़मीन से ऊपर की तरफ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम। और प्लांट्स में और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, फ्रूट्स, लीव्स, ये सब भी प्लांट के पार्ट होते हैं। तो हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, रूट जो ज़मीन के अंदर होता है, स्टेम जो ज़मीन के ऊपर होता है, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये सब प्लांट के पार्ट होते हैं। इस तरह हम अलग अलग तरह की फ्रूट्स और सब्जियां खाते हैं, वो प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं, ये देखिए कैरेट, रेडिश, बीरूट, ये सब हम खाते हैं। अब आपने देखा होगा कैरेट ज़मीन के नीचे उगता है, वो प्लांट का रूट भाग होता है, ये रूट वेजिटेबल्स होते हैं। पिक्चर्स में देखिए कैरेट, रेडिश, बीटरूट्स। अब हम कुछ कुछ पौधों के लीव्स भी खाते हैं, जैसे जिनकी हम पत्तियां खाते हैं, मेथी, धनिया, कोरिएंडर, इनके हम प्लांट के लीव्स भाग खाते हैं, लीफ वेजिटेबल्स, जिनके हम पत्ते खाते हैं। अब हम कुछ पौधों के फ्रूट्स भी खाते हैं, जैसे फ्रूट्स भाग हम कौन कौन सा खाते हैं, ग्रेप्स, अंगूर, मैंगो, वाटरमेलन, ये प्लांट के फ्रूट्स भाग होते हैं जो हम लोग खाते हैं। अब ये क्या है, सैफ्रन, इसका नाम है केसर। अब कई बारी हम केसर भी यूज़ करते हैं। अब प्लांट के कौन से ऐसे केसर मिलता है, वो फूल से, फ्रूट, फ्लावर भाग से हमें सैफ्रन मिलता है। अब प्लांट फेरी गेम खेलती है। गेम इस तरह स्टार्ट होती है कि वो एक प्लांट को टच करती है और किसी भी प्लांट को टच करती है और बताती है कि वो प्लांट कौन सा है। सबसे पहले उसने टच किया मैरीगोल्ड का प्लांट और उन्होंने वो पहचान लिया। नेक्स्ट अब वो एक और टच करते हैं, वो जैस्मिन प्लांट निकलता है, फिर वो जैस्मिन के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद वो दयाराम एक पेड़ को टच करता है और बताता है कि ये तो पेड़ का तना है। अब ये सारे प्लांट क्या एक जैसे हैं? नहीं, सारे प्लांट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो अब हम प्लांट्स के बारे में जानते हैं। अब सारे प्लांट बच्चे जो हैं एक गेम खेल रहे हैं और इस तरह से वो गेम चलती है। अब हम जानते हैं कि सारे प्लांट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, सब प्लांट की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, तो इस तरह से हम जानते हैं। अब देखिए इसमें एक लड़की घास पर बैठी हुई है, एक लड़के ने तने को पकड़ा हुआ है। अब देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो थिक होते हैं, कुछ बुशेज होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ झाड़ी की तरह होते हैं और कुछ छोटे रह जाते हैं, और कुछ बहुत पतले से होते हैं और सीधे, कुछ प्लांट इतने वीक होते हैं जिन्हें खड़ा होने के लिए भी सहारे की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर भी बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लांट होता है ट्रीज, जो जिनके तने बहुत मोटे होते हैं, जिन पेड़ों की उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रीज। ये देखिए जिनके तने बहुत मोटे होते हैं, मैंगो ट्रीज इसका एग्जाम्पल है, देखिए अमरूद का पेड़, ये देखिए एप्पल ट्री, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं ट्रीज़ के। अब ये सब ट्रीज़ के एग्जांपल हैं जिनके तने मोटे होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, ट्रीज। अब देखिए नेक्स्ट, अब आते हैं श्रब्स। श्रब्स कुछ जो ऐसे होते हैं जो ट्रीज से कमज़ोर होते हैं, जो ट्रीज़ जितने लंबे नहीं होते, जिनके तने पेड़ों जितने मोटे नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रब्स। जैसे मैरीगोल्ड श्रब्स,
लेमन श्रब्स, हेबिस्कस, रोज, मोगरा, जिनके तने पेड़ों जितने मोटे नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रब्स। अब नेक्स्ट आते हैं हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? जो प्लांट श्रब से भी छोटे होते हैं, बहुत श्रब से भी छोटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ब्स। जैसे घास, घास बिल्कुल छोटी रहती है उसे हम क्या कहते हैं? हर्ब्स। मिंट, ये देखिए हमेशा छोटी होती है। धनिया पत्ता हमेशा छोटा रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? हर्ब्स। पालक, मेथी, इन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ब्स। अब ये कभी भी पेड़ जितने या शर्ब्स जितने मोटे नहीं होते, ये हमेशा छोटे रहते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? हर्ब्स। नेक्स्ट क्या आते हैं? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जो मनी प्लांट, जो एक पेड़ पर पेड़ सीधा 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 उगते हैं और जिन्हें हम दीवार के सहारे भी खड़ा कर सकते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। जैसे आपने अपने गार्डन में देखा होगा कुछ प्लांट सीधे सीधे खड़े हो जाते हैं, जैसे मनी प्लांट का प्लांट, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। ये देखिए ये भी है, क्लाइंबर्स हैं। ग्रेप्स, ये देखिए अंगूर का पौधा भी एक क्लाइंबर होता है, एक सहारे की तरह चढ़ सकता है, इन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। ये देखिए अब लास्ट क्या आते हैं? क्रीपर्स। नेक्स्ट क्रीपर्स, जो ज़मीन के अंदर ही बढ़ते रहते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स। ये देखिए क्रीपर, जो ज़मीन के अंदर ही बढ़ते रहते हैं, ऐसे प्लांट जो ज़मीन के अंदर उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स। अब ये देखिए नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट्स, नीम, तुलसी, एरोवेरा, जिन्हें हम मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मेडिसिन प्लांट्स। इस तरह आपने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, ट्रीज, हर्ब, शर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर एंड मेडिसिनल प्लांट। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं। ठीक है, अब बच्चे आता है आपका होमवर्क। ये देखिए ये है आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर वन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। क्वेश्चन नंबर वन, नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। क्वेश्चन नंबर टू, राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर शर्ब्स। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट आर हर्ब्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट आर क्लाइंबर्स। बच्चे ये क्वेश्चन आपको आपकी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएंगे, आपने वहाँ से ये क्वेश्चन लेने हैं, वीडियोज़ देखना है और इन क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, समझना है और अपनी नोटबुक में भी करना है। अगली क्लास में मिलेंगे और मेरी और प्रिंसिपल मैम की तरफ से आपको यही रिक्वेस्ट है, आपने घर पर रहना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है और कोरोना वायरस से बचकर रहना है। थैंक यू।